चाहिए बस आपको सिर्फ इन बसों के बाद आगे छोड़िए जाना। बड़ी बस बारिश शुरू हो चुकी है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा मन, माशाल्लाह फिर बारिश हो रही है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और क्या हो रहा है, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, और जिन्होंने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों अब रमज़ान आपको पता है शुरू हो चुका है और माशाल्लाह से 5 से 6 रोज़े हो चुके हैं, और ये बस रमज़ान का ये मेरा पहला व्लॉग है, और व्लॉग सहरी के मुतालिक है। एक्चुअली बस आज हम लोग जा रहे हैं सहरी करने, एक दोस्त हैं हमारे वो हमें सहरी करा रहे हैं बाहर। आज असल में हमारे यहाँ पे क्या है रूटीन कि हर रमज़ान माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी सारे दोस्त हैं यहाँ पे हमारे, तो वो सब लड़के क्या करते हैं बारी बारी सहरियाँ कराते हैं। तो मोस्टली हमारे जो सहरी है ना वो बाहर ही होती है। तो ये मेरे ख्याल से मेरी ये तीसरी सहरी है, मगर आपको मैं पहली दफ़ा दिखा रहा हूँ, वीडियो भी बना रहा हूँ, तो ये मेरी तीसरी सहरी है जो कि बाहर होने जा रही है। तो चलें हम दिखाते हैं आपको कि हम क्या सहरी में क्या खाने वाले हैं और कहाँ खाने वाले हैं, कितना खर्चा आने वाला। खर्चा तो आई डोंट नो कि क्योंकि कोई और पेमेंट करेगा, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मालूमात मिल जाए। तो चलें चलो, अभी हम आए हैं यहाँ अपने एक दोस्त के घर पे जहाँ पे सबने जमा होना है, और उसके बाद फिर हम लोगों ने निकलना है खाने के लिए। 2 बजे का टाइम है, तो इस वक्त अभी 1:30 बज रहा है, तो मैं पहले आ गया हूँ। सब एक जगह जमा होंगे और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे नाश्ता। कर लिया दोस्तों के साथ, बहुत मज़ेदार खाना था और बड़ा मज़ा आया खाना खाने में। बारबेक्यू आइटम था सारा, और बस घर आए तो बेगम ने बोला कि उमरा करने चलते हैं, उमरा क्यों नहीं कर लेते, और रमज़ान का उमरा है और फजीलत वाला बड़ा उमरा है, तो मैंने चलो उमरा करने चलते हैं। ये टाइम थोड़ा ऐसा है कि रश भी कम होगा, ऐसे टाइम में निकल रहे हैं कि फजर हम लोग रास्ते में पढ़ लेंगे और बाकी फिर जो है फजर के बाद उमरा स्टार्ट कर लेंगे, तो ये कि उस वक्त रश कम हो जाएगा। चलें चलते हैं फिर उमरा करने, आपको दिखाते हैं कैसा मक्का में हरम में कैसा रश है, कितने लोग हैं और क्या तरीक़ेकार है, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में कि क्या क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि रमज़ान में आपको एक ही उमरा अलाउड है और लाजमी है कि आप जो है वो एप्लीकेशन के थ्रू परमिट ले कर जाएँ, बग़ैर परमिट के बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बस स्टेशन है, यहाँ पे पार्किंग है और पार्किंग में गाड़ी लगा दी है, और ये बस है फौरन करीब में ही बस खड़ी हुई है, आपको करीब से ही पिक कर लेगी। तो बस हम जा रहे हैं, हम बस में अच्छा 18 रियाल एक बंदे का है, तो हम 2 लोग हैं तो 36 रियाल होगा। अच्छा ये बस आपको सिर्फ इन बसों के बाद आगे छोड़िए जाना, बड़ी बस में ही हमें बड़ी बसों में ही जाना है, छोटी बसों में नहीं जाना है। सिर्फ वो उन्होंने पार्किंग से ला के बड़ी बस में ला के छोड़ा है यहाँ पे, यानी कि दूसरी बस बदलेगी। तो हम लोग बस से उतर चुके हैं फाइनली, अब हरम के करीब आ चुके हैं। बस यहाँ पे ये बता दूँ कि बस का जो सफ़र है ना वो काफ़ी लंबा है, काफ़ी घुमा के जो है ना वो हमें लेकर आया है यहाँ पर 1/2 घंटे से ज़्यादा। हालाँकि इतना डिस्टेंस नहीं था, मगर क्या वो बहुत घुमा के दूसरी तरफ से लेकर आया वो, तो बहरहाल पहुंच गए हैं। अब जा रहे हैं बस वॉशरूम और उसके बाद फिर उमरा स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जब हम जद्दा से निकले थे तो वहाँ पे ना सैंडस्टॉर्म आया हुआ था, रेत का तूफान, तो बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की, तो हम यही दुआ कर रहे थे कि अल्लाह मक्का में भी बारिश हो रही हो। तो अब हम पहुँचे तो मैं वॉशरूम से जैसे ही ऊपर आया हूँ वापसी,
तो देख रहा हूँ यहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा मंज़र है। और इंशाल्लाह सहन में जाते हैं, अगर और तेज़ बारिश हुई तो फिर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ का मंज़र कैसा खूबसूरत मंज़र होता है बारिश में काबे को देखना और काबे में सहन में जो है तवाफ़ करना, बहुत ही जो है ना खूबसूरत मंज़र होता है। माशाल्लाह फिर बारिश हो रही है यहाँ पे। अब हम आ गए हैं यहाँ पे सही में, ये सफ़ा के मकाम पर आ गए, ठीक है। और अब यहाँ से जो है ना हमारी सही स्टार्ट होगी पहला चक्कर। आज काफ़ी रश था और अभी रश में हमने बोला कि चलो ये है कि आज जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार्ट्स चलती हैं ना वो इस्तेमाल करके देखते हैं, तो मैं यहाँ पर आया हूँ अभी इलेक्ट्रिक कार्ट्स के लिए। ये ऐसा आपको टोकन मिल जाएगा, फिर उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे लाइन में लगेंगे और फिर आपको जो है ना वो के कार्ट इलेक्ट्रिक कार्ट मिल जाएगी। जाते हैं अभी यहाँ पे दिखाते हैं इनको। ये है कार्ड, ये ले लिए हमने, अब यहाँ से अब हम सही करना शुरू करेंगे। तो अब सही भी हो गई हमारी, अब सही करने के बाद हम जा रहे हैं घर की तरफ। घर के लिए जाहिर सी बात है हमें बस लेनी पड़ेगी, जिस बस से हम आए थे उसी बस से हमें जाना पड़ेगा। अब देखते हैं कितनी देर लगाती है, कहाँ से मिलती है, मैं आपको बताता हूँ वो भी रास्ता ताकि आप लोगों को आसानी हो आने में। और ये हम बाहर आ गए यहाँ से, ठीक है ना, और अब हमें बस थोड़ा सा आगे जाना है, वहाँ आगे से बस मिलेगी और फिर उस बस से जो है हम उसी स्टॉप पे जाएंगे, उसी पार्किंग में जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क करी थी, और फिर वहाँ से घर। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा हो चुका है, उम्रा हमने कंप्लीट कर लिया है, रमज़ान का उम्रा अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो उनको अपने घर की ज़्यारत नसीब फरमाए, रमज़ान के महीने में उम्रा करने की तौफीक अदा करे अल्लाह ताला। तो और अल्लाह ताला से और भी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम जो है जायज़ हाजात जो जो ये वीडियो देख रहा है उनकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।